जाइए तैयार बॉलीवुड की फटाफट खबरों के लिए। दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत का गाना तुर्पिया रिलीज हो चुका है। भारत का ये पांचवा गाना है और बेहद ही शानदार है। इस गाने को विशाल शेखर द्वारा कंपोज किया गया है। इस गाने को इतनी खूबसूरती के साथ पिरोया गया है जिसे सुनकर रोम रोम में राष्ट्रभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है। बता दें इस गाने में नूरा फतेही का भी शानदार डांस देखने को मिल रहा है। इससे पहले भारत के चार सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, स्लो मोशन, चाशनी, एथेया और जिंदा हूँ, जो कि फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं ये फिल्म 5 जून को ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के विवाहित मीम शेयर करने के बाद विवेक ओबेरॉय विवादों में पूरी तरह घिर गए हैं। विवेक ओबेरॉय पिछले काफी समय से अपनी आने वाली फिल्म को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अभिनेता पिछले दो दिनों में चर्चा के साथ विवादों में ही रहे। दरअसल विवेक ओबेरॉय ने ऐश्वर्या राय को लेकर एक विवाहित मीम सोमवार को ट्विटर पर शेयर किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा समझ गया। हर तरफ विवेक ओबेरॉय की आलोचना हो रही थी। हालांकि पूरे हंगामे के बाद विवेक ओबेरॉय ने माफी मांगते हुए अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी विवेक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि स्माइल फाउंडेशन नाम की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने विवेक को अपने इवेंट से निकाल दिया है। आगे बात करते हैं हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की। तीसरी फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में है। फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज है, लेकिन फिलहाल कोई पक्की खबर सामने नहीं आई। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो सुनील शेट्टी ने कंफर्म किया है कि हेरा फेरी 3 इस साल के अंत में शुरू कर दी जाएगी। बाहुबली से फैंस का दिल जीतने वाले साउथ के सुपरस्टार प्रभास अब बॉलीवुड में भी एंट्री को तैयार हैं। प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म साहू से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी। दरअसल प्रभास ने अपनी अपकमिंग फिल्म साहू का नया पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में प्रभास बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म साहू का इस नए पोस्टर में प्रभास का इंस्टेंट लुक नजर आ रहा है। प्रभास ने नया पोस्टर रिलीज करते हुए अपने फैंस के लिए लिखा है, साहू 15 अगस्त को रिलीज होगी। आपको बता दें साहू 15 अगस्त को रिलीज होगी। फैंस में भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। तो आपकी इन दो मिनट की फटाफट खबरों को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बॉलीवुड टशन के साथ। क्या हुआ है? आप एक नहीं, एक बात फिगर की लाभ मैं सब वोमेन करेक्ट तो उसमें आप मुझे बताइए कि क्या खराब है इसमें। आपने जिस तरीके से लिखा ओपिनियन का मैंने लिखा, आपने ट्वीट करा दैट इज योर मैंने क्या लिखा, मैंने जवाब दिया। अगर कोई मेरा तो मैं उसका जवाब अगर आपने वो सवाल दोबारा पूछा तो जवाब भी उसी सवाल में है। जो आपका सवाल था वही जवाब भी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का और जवाब देने का। सर कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि पिक्चर का नाम भारत है, मेरे किरदार का नाम भी भारत है, मेरा कैरेक्टर नाम भारत है, और हमारे देश का भी नाम भारत ही है। कटरीना ऑन योर लेफ्ट, आप भारतीय हैं। सर दूसरा सवाल ये था, फिल्म में एक डायलॉग है आपका सर कि जितने सफेद बाल मेरे सर पे और दाढ़ी पे उससे ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। सर सहमत है सर, क्योंकि ट्रेलर में कुछ झलक दिखा भी है और फिल्म में भी इंतजार कर रहे हैं देखने का। तो सर फिल्म में जितनी रंगीन आपकी जिंदगी दिखाई गई है, रियल लाइफ में उससे कितना ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कटरीना सलमान टू ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट सलमान, on your left we'll address the question to you. Know in the month of October last year when the shooting of Grand Masti was on in Mehboob studio, you had a very special visitor, that is Salman Khan. Salman met Aftab, Ritesh and even Urvashi, but we didn't see him meeting you. What was the reason? Is all well? Friends again? He wasn't there that time, so yeah. It's okay, right? Oh, he was there. We everyone saw, the media was there. You saw? Of course. Ah, you aapki vishesh tippani नहीं, क्योंकि 14 साल से तो मैं ये सवाल सुन रहा हूँ अलग अलग रूप में। अगर किसी और का आंसर करना है तो कर दो, मैंने बहुत बार आंसर कर दिए।
Anybody has any interesting... Can I please say something? It's between two individuals. I don't think we should interfere. Yes, and let's keep it to the film. I think also, let's right? keep it to the film. Let's talk about the film and support the film. This is not about the film. You wish it were two individuals. You wish it were more about your bite, but it's okay. Anyway, any more questions? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप रहें हमारी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट।